नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी स्टोरी ट्यूब में लेकर आए कहानी जो बहुत ही मजेदार और रोचक है, जिसका शीर्षक है गणेश जी के वरदान से भिखारी बना माला माल। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियाँ देखने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। गांव के बाहर बरगद का एक पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था, भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यहाँ और कोई उपाय न देख मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो पेट भरने लायक भीख मिल ही जाएगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता था। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल और कभी कभी 4-6 पैसे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बड़ी चतुर समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं, तो उसे भोजन चाहिए था। इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती थी, उसकी आंखें भर आती थी, वह चिंता के समुद्र में डूबने उतरने लगता था। गर्मी के दिन थे, दोपहरी का समय था, ऊपर आसमान और नीचे धरती धक-धक जल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख जोरों से जय शिव रटने लगा। भिखारी की हालत देखकर पार्वती माँ को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, उफ, इस भिखारी की तरफ देखो, बेचारा कितना दुखी है, देखो तो कितने प्रेम से तुम्हारा नाम जाप रहा है। पर एक तुम हो, कितने कठोर हो, तुमने आज तक इस पर दया न की। मैंने सुना था कि लोग अब बड़े पापी हो गए हैं, वे अब देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं, सब अपराध देवताओं का ही है। इसी आदमी को लो, बेचारा तुम्हारा नाम लेते परसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट पर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसा कठोर हो जाए तो तब कोई काहे उनकी पूजा करेगा। महादेव को पार्वती की बात लग गई। वे पार्वती से बोले, असल बात क्या है ये तुम नहीं जानती, जान भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही इतना कोमल है। मगर नहीं, तुम रंज ना करो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त करवा देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती जी के साथ मंदिर में पहुँचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, ये भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा मेरा नाम जप रहा है, मगर तुमने अब तक इस पर दया नहीं की, अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा, उसे कहीं ना कहीं से 2,00,000 रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती वापस कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छुपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2,00,000 का मालिक हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया, ना कोई उसके पास आकर बैठा था। बनिए के इस काम से भिखारी ने समझा कि ये बेशक कोई भला मानुस है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपया क्यों करी। आप नहीं जानते मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गटना था, मीठेपन से बोला, आप भिखारी हैं, कौन कहता है कि आप भिखारी हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आ गया हो तो पूछूं। भिखारी ने बोला, खुशी से पूछिए। बनिए ने बोला, भला दिन भर में आपको कितनी भीख मिलती है। भिखारी ने बोला, भाई मिलने की क्यों पूछते हो, पेट के भी लाले पड़े हैं, रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं, किसी तरह दिन काट लेता हो। बनिए ने बोला, राम राम, आप जैसे महात्मा और ये कष्ट इस गांव के आदमी भी क्या आदमी है,
आपकी थोड़ी सी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे ये कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी ने बोला, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अगर अभी तक की कहानी आपको पसंद आ रही हो तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बनिया दांत निकाल कर बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपको कुछ सेवा कर सकूं? मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वे मुझे दे दीजिएगा, बदले में आपको 100 रुपए दे दूंगा। 100 रुपए का नाम सुनते ही भिखारी खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपए मिल जाए तो क्या कहना, ये तो 7 दिन में 7 आने का सम्मान भी ना मिलेगा। तब तो 100 रुपए छोड़ देना सरासर बेवकूफी है, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की का ख्याल आ गया। मैं 100 रुपए लेकर घर जाऊंगा और कमला बिगड़ने लगी तो उसकी सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस यही विचार आते ही उसने बनिया को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, सोच विचार कर कहूंगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने कमला को बुलाया और उसे सब कुछ हाल सुनाया। चतुर कमला फौरन समझ गई कि इसमें जरूर बनिए की कोई शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना अपने फायदे के क्यों 100 रुपए देने चला? खैर मैं कल उसे सब बात तय कर लूंगी, मगर आप बीच में मत बोलना। उधर बनिया का बुरा हाल था, रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ, बनिया की जान में जाना है। वे हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास जा पहुंचा और बोला, क्या विचार है आपका? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी हम लोगों ने विचार किया है, भला 100 रुपए में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर 1,00,000 रुपए का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वे 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्का हो गया। वे समझ गए कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतना 100 रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी इतना सस्ता सौदा कहीं होता है क्या? 100, 200 या 100,000, 2,000 में होता है क्या? जो चीज आप कौड़ियों के मोल खरीदना चाहते हैं वे 1,00,000 रुपए में भी सस्ती है। ये सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। लोभ के मारे वे अंधा हो रहा था, उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100-200 से पढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते, भले बैठे थाले इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपया अभी मिलने चाहिए। ये शर्त मंजूर करने में बनिए को क्या उजूर थी, वह खुशी खुशी घर लौट गया। उसने सोचा, 50,000 रुपए देकर 1,00,000 लेना कोई बुरा नहीं है, 2,00,000 ना सही 1,50,000 का मालिक तो बन ही जाऊंगा। हाँ मेरी तकदीर भी कितनी चौकी है, 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो जाएगा। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले जाता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए की बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन में फिर गणेश जी के मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती जी मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटाकर उनकी बातें सुनने लगा, मगर ये क्या, उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश करी पर कान टस से मस ना हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा, इससे उसके हाथ भी दीवार से चिपक गए। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिया है। ये बनिया बड़ा लोभी कंजूस है, इसने गरीबों में से एक एक करके 4-4 कर वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल कर इसने गरीबों पर दया नहीं की, उनके बच्चे भूखे मरते रहे पर इसने 4,000,000 रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1,00,000 रुपए में अपनी तिजोरी भर ली। गरीबों के माल से ये सुख न उठा सकता, अब जब तक ये भिखारी को बाकी 50,000 रुपए नहीं दे देगा तब तक ये दीवार से चिपका ही रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा पीट लिया, इसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगवा कर भिखारी को दे दिए तब जाकर उसका दीवार से पीछा छूटा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी मजेदार और रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।